नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीजेस के बारे में। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले इस ओर इशारा करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल और खान पीन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हार्ट के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। खान पीन से जुड़ी कुछ गलतियां, जैसे खाने से ज्यादा नमक, शुगर और अनहेल्दी फैट्स की वजह से भी दिल की सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है। इनकी मात्रा अधिक होने की वजह से कई सारी दिल की बीमारियों का खतरा आप बढ़ा सकते हैं खुद के लिए, इसलिए खाने में इनकी मात्रा को नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कैसे नमक और शुगर की मात्रा अधिक होने की वजह से आपको हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। खाने में अनहेल्दी फैट्स की मात्रा अधिक होने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है। आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होने लगती है। दिल और शरीर के अन्य हिस्सों तक ठीक तरीके से खून ना पहुंचने की वजह से भी आपको काफी सारी दिक्कतें होने लगती हैं, जो हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती है। अगर ब्लॉकेज की वजह से दिमाग तक खून पहुंचने में रुकावट हो रही है तो स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ने लगता है। ये दोनों कंडीशन जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, इसलिए खाने में अनहेल्दी फैट जैसे सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कम रखिए। खाने में नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से भी सेहत से जुड़ी कई समस्या हो सकती हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपके दिल के लिए काफी हानिकारक हो सकता है नमक का सेवन? खाने में नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिस कारण से दिल पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कई फूड आइटम्स होते हैं जिनमें शुगर पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन ये नेचुरल शुगर दिल के लिए हानिकारक नहीं होता। खाने में एडिड शुगर दिल के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। शुगर की मात्रा अधिक होने की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से दिल और ब्लड वेसल्स पर काफी असर पड़ता है, जो हानिकारक होता है। इसके अलावा शुगर की मात्रा अधिक होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इसका खतरा भी बढ़ने लगता है, इसलिए अपनी डाइट में शुगर और नमक की मात्रा को सही रखिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।